आयरन मैन के मजेदार फैक्ट। टोनी स्टार को बिना आयरन मैन सूट के पावर्स मिल गए जब उसने अपने आप को टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस इंजेक्ट किया और इस वायरस की हेल्प से उसके पास हीलिंग फैक्टर, सुपर स्ट्रेंथ, यहाँ तक कि अपने आप को आयरन मैन आर्मर के साथ मर्ज करने की पावर्स आ गई। टोनी स्टार का अपने टंग से आयरन मैन सूट को कंट्रोल करता था कॉमिक्स के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में टोनी स्टार का जो सूट था उतना ज्यादा एडवांस्ड एआई बेस्ड नहीं था, तो उसको अपने सूट को कंट्रोल करने के लिए बटन्स और स्विचेस का यूज करना पड़ता था जो कि उसके हेलमेट के अंदर था, और अपने टंग का यूज करके उन स्विचेस को प्रेस करता था। टोनी स्टार का इंस्पिरेशन स्टैनली ने रियल लाइफ में 20th सेंचुरी के मिलेनियर हॉवर्ड ह्यूज से लिया था। वेनम के 3 जबरदस्त फैक्ट। स्पाइडरमैन के पास खुद का अपना एक बैट मोबाइल है, लेकिन कॉमिक बुक राइटर्स ने वेनम का भी अपना एक व्हीकल दिया है जिसका नाम है वेनम मोबाइल। कॉमिक्स में जब वेनम फ्लैश थॉम्पसन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पे रिवील होता है कि वेनम कार्स और व्हीकल्स को भी कंट्रोल कर सकता है, तो वहीं भी हमें वेनम मोबाइल देखने को मिला। वेनम कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। वेनम भले कितना भी नॉन वेजिटेरियन हो, कितना भी वायलेंट हो, लेकिन वो इनकेपेबल है झूठ बोलने में, ऐसा थंडरबोल्ट्स इशू नंबर 23 में रिवील होता है। स्पाइडरमैन का जो स्पाइडी सेंस है वो वेनम के ऊपर काम नहीं करता है। स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस उसको खतरों से अलर्ट करता है, लेकिन ये चीज वेनम सिम्बियोट के ऊपर काम नहीं करेगी। गमोरा के 3 जबरदस्त फैक्ट्स। गमोरा फ्यूचर देख सकती है। कॉमिक्स में गमोरा के पास सुपर पावर होते हैं फ्यूचर देखने की। वो अपने सपने के अंदर फ्यूचर को देख सकती थी मार्वल कॉमिक्स में। गमोरा फाउंडिंग मेंबर्स नहीं थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम की। जी हां, मार्वल कॉमिक्स में उसको बहुत सालों बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम में गमोरा को दिखाया गया। हालांकि एमसीयू में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम बनने के साथ ही वो इस टीम का हिस्सा थी। कॉमिक्स में एडम वार्लॉक गमोरा के सोल को बचाता है सोल स्टोन का यूज करके, और कॉमिक्स में गमोरा और एडम वार्लॉक को एज लवर दिखाया गया है।